बहुत देर तक आपको बाहर रहना पड़ा, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौकिफ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द अमल क्या था, यही हमने आपसे कहना है। हमारा मौकिफ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौकिफ जो है वो है और रहेगा। भैया एक आदमी पूछे तो बात करें, जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारीगामी साहब को और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कह रहे हैं, ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग दी गई, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया। जिनको इनविटेशन आई है क्या सभी लोग जा रहे हैं और साथ साथ में ये भी? जी हाँ, सब जा रहे हैं। और आपको पूरा मैंडेट जो डॉक्टर साहब वहाँ बात करेंगे वो सबकी तरफ से हो? मेरा जो देखिए, ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूँगा। हमारा जो मौकफ है वो सबको मालूम है, अरगाम ये भी हैं, ये भी जाएंगे और तारीगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये पता, ये मालूम, ये एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ है, वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं।